असलकम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर और कुछ सेशंस में हमने इंटरनेशनल के स्टडीज़ को यूज़ करते हुए सोशल एंटरप्रेन्योर्स कैसे आइडियाज़ को इनोवेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसलेट करते हैं इस चीज़ को समझा इन सेशंस में ये जो अब भी हम शुरू कर रहे हैं हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं अगर कुछ कर रहे हैं तो सोशल एंटरप्रन्यशिप के हवाले से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को याद रखना जरूरी है हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है ह्यूज पॉपुलेशन है तकरीबन टू थर्टी वन मिलियन और उसमें से टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो है इट इज यंगर देन थर्टी फाइव इट्स यंग पॉपुलेशन ये यंग पॉपुलेशन जो है ये फ़ायदा मंद है इस कंट्री के लिए क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर सकती है ये डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट हो सकती है लेकिन ये एक चैलेंज भी है कि इसको एम्प्लॉय कैसे किया जाए एंड बाय एम्प्लॉयमेंट आई डू नॉट मीन जॉब्स आई मीन एंटरप्रेनशिप तो पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए इस बैकग्राउंड को जहन में रखना ज़रूरी है पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कोई ज़्यादा पुराना फिनोमेना नहीं है पिछले 10-20 साल में ज़्यादा एक्चुअली इसमें एक स्पाइक देखी गई है एक उता जो चढ़ाव आप कह सकते हैं वो आया है इससे पहले शायद लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप खास तौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कभी जिक्र भी ना सुना हो पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक अंडरस्टडीड सब्जेक्ट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है आप गूगल सर्च दें आपको लिमिटेड जो है वो रिस्पॉन्स आता है मैं जो सेशन आपके साथ कर रही हूँ ये ब्रिटिश काउंसिल की 2016 की एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है जो उन्होंने 143 फोर्टी थ्री सेल्फ आइडेंटिफाइड सोशल एंटरप्रन के ऊपर की थी ऐसे कारोबार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे इंडिविजुअल्स जो खुद अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं ये उस स्टडी पर बेस्ड है अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है सोशल एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करने के हवाले से वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कोई लीगल डेफिनेशन का ना होना है इंडिविजुअल्स भी अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं एन भी अपने आप को इवन चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन जो हैं वो भी अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहती हैं और कुछ बिजनेस जो फार प्रॉफिट हैं वो भी अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं ये सब सोशल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं लेकिन कोई लीगल डेफिनेशन मौजूद नहीं है इसलिए थोड़ा सा मसला होता है एग्जैक्ट नंबर और वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं ये जानने में एक एस्टिमेट है बेस्ड ऑन दिस स्टडी फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल कि पाकिस्तान में तकरीबन साढ़े चार लाख सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स मौजूद हैं लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि ये साढ़े चार लाख सारे के सारे जो हैं वो किस तरह ये आपस में सिमिलर हैं या उनके क्या करेक्ट्रिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन हैं हम केस स्टडीज़ पर भरोसा करते हैं समझने के लिए कि पाकिस्तान में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो रहा है ब्रिटिश काउंसिल की स्टडी हमें बताती है कि ये एक न्यू फोना है ज़्यादातर 35 इयर्स या उससे कम उम्र के लोग जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं और उनमें हर पांचवा एंटरप्रेन्योर जो है वो फीमेल है यानी वन फिफ्थ ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हैं वो खातन हैं ये एक बहुत ही हौसला अफजा बात है कि जो आदि पापुलेशन है पाकिस्तान की फीमेल पॉपुलेशन वो भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेट कर रही है पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो तकरीबन ये जो वन फोटी थ्री ऑर्गेनाइजेशन थी इनमें तकरीबन सात से साढ़े सात हजार का स्टाफ मौजूद था अब आप साढ़े चार लाख से अगर उसको उसी रेशो में ज़रब दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और जो वैल्यू एड कर रहे हैं या सोशल इम्पेक्ट है वो इससे अलग है जब सोशल इम्पेक्ट की बात की जाए तो पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन 143 ऑर्गेनाइजेशंस में से 53 परसेंट एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही थी नेक्स्ट थर्टी परसेंट तकरीबन जो है वो हेल्थ और सोशल केयर प्रोवाइड करती हैं और बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग क्लाइमेट चेंज और इस तरह के इश्यूज के ऊपर काम कर रही हैं पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा जो बैरियर है वो फंडिंग और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि फंड्स कहाँ से आएंगे और जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है उसको फाइनेंस कैसे करना है इसीलिए लिए ख़ास तौर पर फार प्रॉफिट बिजनेस और सोशल एंटरप्रेन्योर और दूसरी तरफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में जो तकसीम करना या तखसीस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि या तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस की सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसबल्टी का हिस्सा हैं फाउंडेशंस कायम की हुई हैं बड़े बड़े बिज़नेस ने जिसके थ्रू वो अपने बिज़नेस का प्रॉफिट जो है वो सोशल इम्पेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं उन्होंने वो फंड्स जनरेट करते हैं डोनेशंस के ज़रिए से चैरिटी के ज़रिए से और इस तरह से और फिर उनको सोशल इम्पेक्ट और सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वो स्नैरियो है जिसके अंदर मैं आपसे पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योर्स की केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगी अगले सेशन्स में कि किस तरह से उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसलेट किया और कितना इनोवेटिवली वो इस काम को करने में कामयाब हुए थैंक यू